नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, यूपी के फिरोजाबाद में कल मुख्यमंत्री का आगमन था, जिसको लेकर नगर निगम उनकी आवभगत में पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा था, अपनी नाकामियों को ढकने में लगा था। कहीं मुख्यमंत्री को कोई कमी नजर न आ जाए, अपने कारनामों को छुपाने में नगर निगम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों रात रोड बनवा दिए तो डिवाइडर भी पेंट करवा दिए और कई और काम भी नगर निगम ने बड़ी मुस्तैदी के साथ करवाए। लेकिन नगर निगम का शायद उस ओर कोई ध्यान नहीं गया जहां मुख्यमंत्री का दौरा नहीं था, क्योंकि उस रास्ते से मुख्यमंत्री को नहीं गुजरना था, इसीलिए उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के लेवर कॉलोनी के वेस्ट ग्लास की नई आबादी की, जहां पर नालों में मृत जानवरों के शव पड़े होने से पूरे क्षेत्र में गंध फैल रही है और लोग काफी परेशान हैं। क्या नगर निगम को यहां की जनता दिखाई नहीं देती? क्या ये लोग इसी गंध में रहने के लिए मजबूर होते रहेंगे? नगर निगम को इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। हम तस्वीरें आपको दोनों दिखाने वाले हैं, एक तरफ किस प्रकार से मुस्तैदी के साथ नगर निगम मुख्यमंत्री की आवभगत में कार्यरत है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जानवरों के मृत शव से छूटने वाली गंध से कितने परेशान हैं। खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। मोहम्मद जीशान, क्या हुआ यहाँ पे, क्या पड़ा? अरे पिग पड़े हैं यार भैया जी, निरे यहाँ पर। कितने पिग पड़े? कम से कम 14-15 पिग होंगे, फटे पड़े हैं, बदबू दे रहे हैं निरे, आने जाने में बदबू निकल रही है, इससे बीमारी होगी और क्या होगी। अच्छा, ये इससे पहले भी ये ऐसे मिले हैं? इससे पहले भी मिले हैं, वो विनोद है जो सफाई वफाई कर्मी, उन्होंने निकलवाई भी है बेचारों ने कई दफा। अच्छा, और ये अब भी पड़े हुए कई दिन से। इसकी अभी तक शिकायत की किसी से? अरे शिकायत क्या, विनोद भाई से ही कह देते हैं हम तो। हाँ। वही देखते हैं, अब वो आ रहे जा रहे नहीं है तो उनसे पहुंच नहीं पाई उन तक खबर। अभी सफाई वफाई नहीं चल रही है क्या? सफाई कहाँ चल रही है, देखो गंदगी देखो, वहाँ पर भी दिखाओ फोटो थोड़ा तो, कितनी गंदगी पड़ी है नाले पे।